नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। गौवंश में चल रही भयंकर महामारी लंपी स्किन के चलते गौ ग्राम सेवा संघ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सूरजमल सिंह नीम राणा जी व उनकी टीम 32 वाली पुली श्री कृष्ण सुदामा गौशाला में पहुंचकर जहां पर मुख्य अतिथि बलवंत राय जी द्वारा उनका साफा उठाकर व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा जी द्वारा 5 MLD गौशालाओं लाल सिंह घड़साना, तहसील अध्यक्ष बबलू खुराना जी द्वारा साफा उठाकर सूरजमल सिंह नारायण जी व उनकी टीम का स्वागत किया गया। गौशाला अध्यक्ष बलवंत राय द्वारा जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा जी की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत सूरजपाल सिंह नीम राणा जी व उनकी टीम द्वारा घड़साना छतरगढ़ 465 हेड क्षेत्र की गौशालाओं का जायजा लिया गया। जिलाध्यक्ष राधेश्याम बत्रा जी ने बताया कि गौशालाओं को अनुदान दिलवाने में सूरजमाल सिंह नीम राणा जी की अहम भूमिका है। सूरजमाल सिंह ने गौशालाओं को निर्देशित किया है कि इस बीमारी से गौवंश को बचाने के लिए गौवंश को फिटकरी व नीम के पत्ते उबालकर उसके पानी से स्नान करवाया जाए व सफाई और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए। नीम राणा जी ने विश्वास दिलवाया कि कोई भी गौशाला अनुदान से वंचित नहीं रहेगी और गौशालाओं को अनुदान की कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं जो आप लोगों ने किया है मैं इसके लायक नहीं हूँ। निवेदन है मेरा, भविष्य में इस विषय का ध्यान रखना। गाय का काम कर रहा है, किसी पर एहसान नहीं कर रहा, वो अपना कुल सुधार रहा है। मैं अपना कुल सुधार रहा हूँ, किसी पर कोई मेरा एहसान नहीं है। गो माता के निमित्त मुझे इस पर ना ये समय दिया है और ये आशीर्वाद प्रदान किया कि मैं गाय के लिए काम करूँ, उसका अभिनंदन आज जो आपने किया ये अभिनंदन लेकर मैंने मेरे गाय के लिए किए गए कार्यों में एक माइनस पॉइंट कर दिया। आप सबने जो मेरा विशेष अभिनंदन किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बत्रा जी ने बहुत कुछ आगे बढ़ा के बात की है। छोटा मोटा जो मुझे समय मिलता है या छोटा मोटा जो मैं कार्य कर पाता हूँ, हमारी चेष्टा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, राजस्थान की एक भी गौशाला अनुदान से वंचित ना हो, समय पर अनुदान मिले और समूह में अनुदान मिले, ये पूरे संगठन का प्रयास है। संगठन के विषय में बत्रा जी ने बताया, जब 2013 में माननीय अशोक जी गहलोत ने